हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देख श्याम क्रिकर। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस से 3 से हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, विद्यालय शब्द में है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि, थर्ड विसर्ग संधि एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। 31 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 32, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इनमें से जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वो रॉन्ग है और एक जो राइट है वो चुनना है आपको। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पो धन अन। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी में वचन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड 2, थर्ड 3 एंड फोर्थ अनगिनत। करेक्ट होगा 33 का ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 34, आगरा का बहुवचन होगा। फर्स्ट है आगरे, सेकंड आगरो, थर्ड आगरे एंड फोर्थ बहुवचन नहीं होगा। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा का बहुवचन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पद, सेकंड विकारी शब्द, थर्ड अविकारी शब्द एंड फोर्थ पदबंध। करेक्ट होगा 35 का ऑप्शन सी, अविकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर 36, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो तृष्णा लिखा गया है वो राइट है, इसमें कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। बाकी ये जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 37, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कवित्री, सेकंड कवि, थर्ड कवयित्री एंड फोर्थ कवियत्री। 37 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत, सेकंड तद्भव, थर्ड तत्सम एंड फोर्थ देशज। करेक्ट होगा 38 का ऑप्शन सी, तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 39, जब किसी सामास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द्वंद्व सामास, सेकंड द्विगु सामास, थर्ड प्रधान सामास एंड फोर्थ तत्पुरुष सामास। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए द्वंद्व सामास। जैसे कि माता पिता, चाचा चाची, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो द्वंद्व सामास में आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे आपको वही देखना है उज्ज्वल कौन सा वाला राइट है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो करेक्ट हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, अनुरक्त का विलोम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है आरक्त, सेकेंड विरक्त, थर्ड निरक्त एंड फोर्थ आसक्त। करेक्ट होगा 41 का ऑप्शन बी, विरक्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है। फर्स्ट है सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, सेकंड है काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, थर्ड है ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू एंड फोर्थ ऑप्शन है निष्ठुर, चम्मच, हाथी एंड कार्य। करेक्ट होगा 42 का हमारा ऑप्शन ए, सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, ओष्ठ, अग्नि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। फर्स्ट है कुरूप, सेकंड है कुशल, थर्ड कुकर्म एंड फोर्थ कुचाल। करेक्ट होगा 43 का ऑप्शन बी, कुशल। तो यहाँ रूप जो है उसमें कु लगा है, कर्म में कु लगा है, फिर चाल में कु लगा है, लेकिन कुशल जो है वो एक पूरा शब्द ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। फर्स्ट है पुजारिन, सेकंड कठिन, थर्ड चिन्ह एंड फोर्थ मीन। 44 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकंड द्वंद्व समास, थर्ड अव्ययी भाव समास एंड फोर्थ द्विगु समास। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 46, द्वंद्व समास है। फर्स्ट ऑप्शन है लंबोदर, सेकंड अंधकूप, थर्ड नर नारी एंड फोर्थ शरणागत।
तो ऑप्शन सी है, उसमें दोनों पद प्रधान है, करेक्ट होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, नगर में रहने वाला को कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है शहरी, सेकंड नागर, थर्ड नर नारी एंड फोर्थ शरणागत। 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है सैसव, सेकंड लोहा, थर्ड लकड़ी एंड फोर्थ पुस्तक। 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सैशव। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस वाक्य में शम प्रदान कारक है, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, सेकंड है राम घर पर सो रहा है, थर्ड राजा ने निर्धनों को कंबल दिए एंड फोर्थ ऑप्शन निसार खेलता है। 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। क्वेश्चन नंबर 50, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निजवाचक सर्वनाम, थर्ड संबंधवाचक सर्वनाम एंड फोर्थ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। करेक्ट होगा 50 का ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 51, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है, फर्स्ट ऑप्शन है रस्सी जल गई, सेकंड सीमा पढ़ रही है, थर्ड तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो एंड फोर्थ बच्चा सोता है। 51 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, फर्स्ट है जो छोटा हो, सेकंड जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, थर्ड जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय और एक ही क्रिया हो। 52 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है मोहन, सेकंड खरीदारी, थर्ड घूमना एंड फोर्थ बाजार। 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, फर्स्ट ऑप्शन है वर्षा हो रही है, सेकंड मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, थर्ड है सुधीर पढ़ता है एंड फोर्थ मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। 54 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट है विषम्यवाचक चिन्ह, सेकंड अवतरण का उद्धरण चिन्ह, थर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह एंड फोर्थ निर्देशक चिन्ह। करेक्ट होगा 55 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, करेक्ट होगा 56 का ऑप्शन ए जो पत्र आज आया है कमा कहाँ है फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, शेर को सामने देखकर डैश यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, फर्स्ट है मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया, सेकंड है मैं आग बबूला हो उठा, थर्ड है मैंने आसमान सिर पर उठा लिया एंड फोर्थ मेरे प्राण सूख गए। तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शंस आप इसमें डालोगे तो ये जो पूरी सेंटेंस है वो बन पाएगी और एकदम कंप्लीट लगेगी। करेक्ट होगा 57 का ऑप्शन डी, शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, सही मुहावरा है, फर्स्ट ऑप्शन है नेत्रों में मिट्टी डालना, सेकंड है आँखों में रेत फेंकना, थर्ड आँखों में धूल झोंकना एंड फोर्थ आँखों में कचरा डालना। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आंखों में धूल झोंकना। क्वेश्चन नंबर 59, हाथ नहाना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है, फर्स्ट है पकड़ में नहाना, सेकंड बहुत बड़ा होना, थर्ड हाथों का व्यायाम करना एंड फोर्थ हाथ फैलाना। 59 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पकड़ में नहाना। क्वेश्चन नंबर 60, सिर फिर जाना का अभिप्राय है, फर्स्ट ऑप्शन है चक्कर आ जाना, सेकंड अहंकारी हो जाना, थर्ड सर दर्द हो जाना एंड फोर्थ पीछे मुड़कर देखने लगना। करेक्ट होगा ऑप्शन बी अहंकारी हो जाना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3 से हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए।